हेलो, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है राना अली। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। मेरा नाम है नसलीहान। हाँ जी, तो फाइनली हम गांव से वापस आ गए हैं। तो इधर कल आए थे, तो मौसम माशाल्लाह इधर का बहुत प्यारा है हुआ था जब हम आए थे वापस। तो कल भी बारिश हुई थी, आज भी बारिश हुई है। आज सुबह लेकिन थोड़ा सा मसला भी बन गया था, इतना ज़्यादा बारिश हुई कि वो पानी अंदर आ गया और बहुत ज़्यादा थक गया वो पानी निकाल के, थकावट सी हो गया। हाँ जी। और सुकून करने का टाइम ही नहीं मिला यानी कि, तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है मौसम ठंडे ठंडे हैं। तो अब तो पहले जो गर्मी थी उसकी नस्बत अब बहुत ज़्यादा यानी कि बेहतरी आई है मौसम में, तो बहुत सुकून है अब थोड़ा सा। अभी हम तो बाहर भी निकल सकते हैं कि घूम फिर सकते हैं। पहले तो ऐसी गर्मी थी कि आखिर की गर्मी जिसे कहते हैं वो थी। तो अब माशाल्लाह मौसम प्यारा है, हम सुकून से बाहर फिर रहे हैं। अभी बाहर तकरीबन 4 बज गए हैं, तो मौसम बेहतर वो आ रही है फिरोज़ा भी। तो हम गांव गए थे, गांव से हम घूम के वापस आए हैं। तो इधर अब बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। और उधर का आपको कैसा लग रहा था और इधर का क्या सीन है? उधर गर्मी बहुत था लेकिन अच्छा लग रही थी यानी कि इतना सारा दावत था। ऊँची बोलो। और उधर मैंने कहा बहुत अच्छा था लेकिन गर्मी का मसला था, क्योंकि वो थोड़ा सा गांव की ज़िंदगी ऐसे होता है कि घर बंद नहीं होता। हमारा इधर तो लाहौर पे शहर पे घर बंद होता है। गर्मी बहुत लग रही थी और उधर दावत वगैरह बहुत ज़्यादा दिया था माशाल्लाह लोगों ने। अच्छा, तो खाने पीने का क्या फ़र्क है इधर का और उधर का खाने पीने का? क्योंकि हमारा खाने पीने का सिस्टम थोड़ा सा और है और जो देसी लोग हैं उनका थोड़ा सा और स्टाइल है, तो वो क्या फ़र्क है? वो खाना थोड़ा सा ज़्यादा ही मिक्स करते हैं यानी कि हम तो एक आपको मतलब दे रही हूँ कि हमने आलू बैंगन बनानी है, हम खुशक बनाएंगे ना सब्जी, उस पे शोरबा तो नहीं होगा। लेकिन मैंने उधर को ऐसे ही चीज खाई है कि वो शोरबा वाली था आलू बैंगन। यानी कि हमसे चीजें वही सेम होती हैं, लेकिन वो ये होता है कि हमसे थोड़ा सा डिफरेंट यानी कि कोई चीज़ ऐसी होती है जैसे हम इधर पकाते हैं और उधर पकाने में थोड़ा सा फर्क होता है। वो अपने हिसाब से खाते हैं और उनकी जो सब्जियां वगैरह हैं वो ठोस होती हैं यानी कि अच्छे पानी के साथ वो बनाते हैं, साफ पानी के साथ। हमारे तो इधर मिक्स कर भी देते हैं। पानी का मसला था, मीठा पानी कभी आती थी कभी नहीं आती। हाँ, वो उधर वो एक ये चीज़ का मसला है कि किसी जगह पे पानी कड़वा होता है, उधर ऐसी भी जगह है पानी कड़वा होता है, तो कुछ जगह ऐसी भी हैं उधर से जैसे नॉर्मल हमारा इधर यूज़ करते हैं पानी वो होता है उधर। एक ये ये भी है सीन। और इसके अलावा कोई चेंजिंग सोने में, सोने और उठने में? ये तो बताई नहीं। जागने और उठने में माशाल्लाह लोग बाहर सोते हैं मंजी में। नहीं नहीं, मंजी की नहीं, यानी कि जब वो लोग कैसे सोते हैं उठते हैं? सुबह की रूटीन उनकी यानी कि वो रात को 4-5 भाई बिछा के पंखे लगा के जल्दी सो जाते हैं, जल्दी सो जाते हैं सुबह जल्दी, और सुबह जल्दी उठते हैं 6 बजे। 6 बजे उठ के अपने वो काम कार शुरू कर देते हैं। हमको इधर 9-10-11 बजे की हमारी उधर रूटीन है, उधर ऐसे नहीं करते। वो जल्दी 9-10 बजे सो जाते हैं वो लोग, गाँव का जो माहौल है। और उठते हैं वो 5-6 बजे उठ के, 4 बजे भी कोई लोग उठ जाते हैं। उठ के उसके बाद अपने काम काज शुरू करते हैं, फिर काम शुरू करते हैं। हाँ जी, तो इसी तरह ही बस उधर अच्छा है, मतलब सुबह सुबह उठना बरकत एक भी है। हाँ जी, अच्छी भी है। एक चीज और है, कर सकते हैं। एक चीज और है, वो ये है कि उठ के सुबह सुबह जो बरकत, आपकी बात ठीक है, एक मैं और बात करने लगा था मेरे जहन से निकल गई है कि उधर सुकून है हमारे इधर ऐसा। लेकिन हमारे इधर भी ये जो है, हम जिधर रहते हैं इधर भी सुकून है, ये आप देख सकते हैं। इधर कोई इतना कोई फैक्ट्रीज ये वो कुछ भी नहीं है, ये एक ये कह लें कि इधर देहात वाला ही सिस्टम है। लेकिन हमारे तो इधर है तो हम लाहौर के अंदर ही हैं। सड़क जो जिस तरह इधर शहर में बनती है सड़क, उधर सड़क इतना वो नहीं है, मिट्टी में। और अगर बारिश हो जाए तो फिर वो ज्यादा ही चिक्कर होती है और मसला बन जाती है काफी। फिरोजे इधर आओ। हाँ जी, और बाहर खाना बनाते हैं वो बैठ के, और बाहर रोटी बनाते हैं। गर्मी में धूप में बहुत मुश्किल है, अपने बच्चों को भी संभालते हैं और
अपने घर का जो पूरा काम होते है वो भी कर देते हैं। यानी कि गांव में रहने वाले लोग जो होते हैं ना बहुत ज्यादा हिम्मत वाले होते हैं, बिल्कुल बहुत ज्यादा हिम्मत वाले होते हैं और वो खुराक भी माशाल्लाह वैसे ही खाते हैं। तो फरोजे इधर आओ। हाँ जी, मौसम बहुत खराब है, कभी धूप निकलती है, मौसम हमारे हिसाब से बहुत अच्छा हुआ है मौसम। तो अभी तो ये है कि अभी मौसम नॉर्मल है, हम बाहर खड़े हैं तो इजी है, वरना पहले तो ऐसा सीन हो गया था हमारे जाने से पहले तो खड़े होने का टाइम कह रहे हैं, दिल भी नहीं करता था जरा भी। अभी तो हम फिर भी घूम फिर रहे हैं तो बारिश स्टार्ट हो गई है, लेकिन ये वैसे कोई अजीब नहीं है इस मौसम में बारिशें ठंडे, यही मौसम होता है, ये मॉनसून स्टार्ट है ना तो इस वजह से ये बारिशों का सिस्टम जा रहा है। पहले तो नहीं ऐसे हुई पिछली गर्मियों में? नहीं नहीं, हर साल ऐसे ही होता है, हर साल ऐसे ही होता है। तो हाँ फिर मुझे थोड़ा सा, नहीं नहीं अब इधर तो ये सिस्टम ही है, क्योंकि ये जो है ना तुर्की में ये वाला नहीं है ना, इतनी गर्मी होती है तुर्की में, इतनी गर्मी नहीं होती उधर, टेम्परेचर बहुत खराब है, गर्मी भी और गर्मी के बाद धूप बारिश हो जाती है, फिर धूप निकलती है, फिर बारिश होती है। अल्लाह ताला की मर्जी, वो तुर्की हो जाए चाहे वो जो मर्जी जगह हो जाए। नहीं उधर लेकिन ये एक चीज़ है, उधर हबस नहीं होती हमारे तो इधर। हाँ हमारे तो इधर हबस हो जाती है ना, हवा बांधी है वो। आप तो घुमाई जा रही हो, सीधी चले वो, फिर वो सूरज है ना इधर, फिर वो स्क्रीन ब्लैक हो जाती है, इस वजह से उधर चलते हैं। तो और आप लाइफ कैसे हैं? हम तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। देहाती लाइफ यानी कि देहाती गांव की लाइफ और इधर लाहौर की लाइफ में क्या फर्क है, यानी कि चेंजिंग क्या लगी, अच्छी कौन सी है? एक यानी कि मैं कह सकती हूँ कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं इधर शहर में रहती हूँ, क्योंकि मेरे लिए बहुत आसानी है, मुझे सुबह सुबह उठ के बाहर धूप में रोटियां बनाने नहीं पड़ती, गर्मी नहीं पड़ती इतना, और हांडी बाहर बनाने नहीं पड़ती, और हमारा घर बंद बंद है, सुकून से हम लोग काम करते हैं, सुकून से उठते हैं, सुकून से नाश्ता करते हैं। लेकिन उधर का जो लोग है वो थोड़ा सा तंग हो के, यानी कि तंग नहीं होगा उनको, उनके लिए आदत है नॉर्मल है वो, बल्कि इधर शहर में आ जाए तो वो कहते हैं कि मुझे उधर याद आ रही। हाँ क्योंकि उनका सिस्टम ऐसा है, हमारा सिस्टम वैसा है कि हम इधर रहते हैं वो उधर रहते हैं, उनकी परवरिश उधर हुई है, वो उस माहौल में एडजस्ट करते हैं अपने आप को, हम इधर करते हैं। शहर की लाइफ में ये फर्क है कि हम लोग ज्यादा सुकून वाले जिंदगी गुजार रहे हैं, वो थोड़ा सा गर्मी में हिम्मत कर करके गुजार रहे हैं अपनी जिंदगी। अल्लाह ताला सबको अपने सब्र का अजर दें इंशाल्लाह, आमीन। तो उन लोगों को भी सुकून वाली जिंदगी। ये देखो जी ये कौन आया, हेलो करो। No? इतना सर्दी थी कल रात को, सर्दी थी ना रात को, बहुत सर्दी थी। हेलो गुरु, ऊपर कंबल वगैरह भी लिया था इस वजह से बच्चों को हमने ये कपड़े बनाए कि बच्चों को सर्दी ना लग जाए, अभी भी हवा चल रही है ठंडे ठंडे जी। तो आप लोगों से यानी कि बात करनी थी, बात हो गई है, हम वापस आ गए हैं। तो आप सबका जो देखने वाले हैं हमारे इधर जिधर से भी कोई देख रहे हैं उन सबका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। तो आप सबकी वजह से हम यूट्यूबर बन गया है। हाँ जी, तो अगर आप नहीं देखते हम कैसे बनते हैं। माशाल्लाह आप लोगों ने इतना ज्यादा प्यार दिया और आप लोगों ने इतना ज्यादा सपोर्ट किया कि हम आज तक जो आए ना हम आ गया, इंशाल्लाह इससे आगे भी ज्यादा ही बेहतर हो ही जाएगी इंशाल्लाह। तो आप सबको बहुत शुक्रिया और क्या कह सकते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ख्याल रखें। तो अल्लाह हाफिज़, आप भी अल्लाह हाफिज़ करो।